हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सट्राड योर नॉलेज। आज हम कवर करेंगे 11th और 12th सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन दी UNDPS ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 रिलीज्ड इन सितंबर 2022। तो सितंबर में रिलीज्ड UNDP मीन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक क्या रहा, 131, 132, 138, 141। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 132। इंडिया रैंक्ड 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज इन द 2021 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक 132 रहा आउट ऑफ 191 कंट्रीज। टॉप पे कंट्री रही स्विट्जरलैंड और इन द 2022 रिपोर्ट इंडिया हैड रैंक्ड 131 अमंग 189 कंट्रीज। तो 2020 में इंडिया का रैंक 131 रहा था आउट ऑफ 189 कंट्रीज। ये लिस्ट आप चेक कर सकते हो कि टॉप पे कौन सी कंट्री रही, स्विट्जरलैंड, सेकंड पे नॉर्वे, थर्ड पे आइसलैंड। ये इंडेक्स जो अभी 2022 में रिलीज हुआ है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में इंडिया का रैंक था 136 और टॉप पे कंट्री थी फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और बॉटम में कंट्री थी अफगानिस्तान। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंक था 150, टॉप पे कंट्री थी नॉर्वे और बॉटम में थी नॉर्थ कोरिया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया का रैंक था 135, टॉप पे कंट्री थी आइसलैंड और बॉटम में अफगानिस्तान। ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंक था 180, टॉप पे कंट्री थी डेनमार्क और बॉटम में कंट्री इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर बिहार सीएम नीतीश कुमार हैज इनोग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम गया जी। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किस रिवर पर इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम गया जी इनोग्रेट किया है, फल्गु रिवर, गंगा रिवर, सोन रिवर, कृष्णा रिवर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फल्गु रिवर। बिहार सीएम नीतीश कुमार हैज़ इनोग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम गया जी इन फल्गु रिवर। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम गया जी फल्गु रिवर के ऊपर इनोग्रेट किया है। इट इज़ 411 मीटर्स लॉन्ग एंड 3 मीटर हाई एंड हैज़ बीन बिल्ट एट ए कॉस्ट ऑफ ₹312 करोड़। तो ये 411 मीटर लॉन्ग है और 3 मीटर हाई है और इसे बिल्ट करने के लिए टोटल 312 करोड़ रुपये का खर्च आया है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिहार। तो बिहार फाउंड हुआ था 22 मार्च 1912 को। इसकी कैपिटल है पटना। सीएम है बिहार के नीतीश कुमार, गवर्नर फग्गू चौहान। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी अबाउट बिहार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम नाम छत्ता। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने छत्ता रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम लॉन्च की है, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम नेम्ड छत्ता। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने छत्ता रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम लॉन्च की है। छत्ता मीन कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफायर। अबाउट द स्कीम, द स्टेट सेक्टर स्कीम विल वर्क टू वर्ड्स कंजर्विंग रेन वाटर एंड इम्प्रूविंग वाटर क्वालिटी इन अर्बन लोकल बॉडीज। तो ये स्टेट सेक्टर स्कीम है जो अर्बन लोकल बॉडी में वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी और रेन वाटर को कंजर्व करने की ओर काम करेगी। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट ओडिशा। तो ओडिशा फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। सीएम है उड़ीसा के नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द सेंट्रल स्टेट साइंस कॉन्क्लेव इन विच प्लेस।
तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किस प्लेस पर सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव इनोग्रेट किया है? हैदराबाद, अहमदाबाद, गांधीनगर, मुंबई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अहमदाबाद। पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव इन अहमदाबाद। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव इनोग्रेट किया विद द एम टू फैसिलिटेट एन इकोसिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो इसे इनोग्रेट करने का ऑब्जेक्टिव था कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का एक इकोसिस्टम की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट गुजरात। तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात फाउंड हुआ था 1 मई 1960 को। गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द डायमंड लीग फाइनल्स टाइटल। तो डायमंड लीग फाइनल का टाइटल जीतने वाले फर्स्ट इंडियन कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, सावित्री जिंदल, विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द डायमंड लीग फाइनल्स टाइटल। तो नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल का टाइटल जीतने वाले फर्स्ट इंडियन बन गए हैं। थ्रो था 88.44 मीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून इंडियाज लिस्ट हु हैज़ बिकम द इंडियाज रिचेस्ट मैन। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून इंडियाज लिस्ट इंडिया के रिचेस्ट मैन कौन बने हैं? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, राधा कृष्णा दमानी, अजीम प्रेम जी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गौतम अडानी। गौतम अडानी हैज़ बिकम द इंडियाज रिचेस्ट मैन। तो गौतम अडानी इंडिया के रिचेस्ट मैन बन गए हैं, ये आप लिस्ट चेक कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट के न्यू यूएन हाई कमिश्नर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? बोलकर तर्क, अल्केश कुमार शर्मा, तपन कुमार, संजय सक्सेना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बोलकर तर्क। बोलकर तर्क हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट। तो बोलकर तर्क को ह्यूमन राइट के न्यू यूएन हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नॉमिनेटेड गुलाम अली फ्रॉम विच स्टेट आर यूटी टू राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को किस स्टेट या यूटी से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है? पुडुचेरी, जैनके, लद्दाख, तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जैनके। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नॉमिनेटेड गुलाम अली फ्रॉम जैनके टू राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को जैनके से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 9th सितंबर, 10th सितंबर, 11th सितंबर, 12th सितंबर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 10th सितंबर। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व ऑन 10th सितंबर। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10th सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की थीम थी इस ईयर की क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो बस इतने तक की थी। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मिलता है विशाल फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान और अपने सपनों के लिए करते रहो खूब सारी मेहनत।